సో గాయస్ ఈ కరీం వాళ్ళది రైడర్స్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ తెలుసుకుందాం ఈరోజు. ఈ బ్రదర్ని అడుగుదాం మనం. హలో భయ్యా, కైసే కైసే భయ్యా, ఆప్ కైసే? ఠీక్ హై, ఆప్ కైసే? ఠీక్ హై. మే బి కహాన్ సే ఆప్? మే పాకిస్తాన్ సే యార్. పాకిస్తాన్ సే? సహీ హై. ఆప్కా కితనా సాల్ సే కామ కర్ రహే కరీం పే? సాల్ తో నీ కహ సక్తే. హాన్, అభీ రీసెంట్లీ తక్రీబన్ అభీ महीना भी नहीं हुआ, अभी वन मंथ भी नहीं हुआ. ओके ओके, कैसे लग रहे करीम पे? बस अभी फिलहाल लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है. अभी कैसे होता है इसमें आपका लाइफ कैसे होता, मतलब आपका क्या पैसा कैसे होता है, इसका लाइसेंस का क्या होते हैं? इसमें दरअसल आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई भी खुद लाइसेंस लेना है ना दुबई में, आपको मस्ट लाइसेंस लेना है. हाँ, लाइसेंस लेके तो उसके बाद आप किसी कंपनी से बात करके तो आप करीम में भी आ सकते हो, फैदाबाद में भी आ सकते हो. पहले तो लाइसेंस होना, खुद लाइसेंस होना, लाइसेंस होना मांगता है. उसके बाद करीम और तलाबाद को कैसे होते हैं, तो जो कंपनीज होते हैं इसके लिए कैसे कंपनी होती है ना, अभी वो डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं होता ना. हाँ, डायरेक्ट एग्रीमेंट किसी किसी कंपनी का होता है. हाँ, वैसे अब मतलब करीम हो गया, तलाबाद हो गया, ये डायरेक्ट आपको नहीं ले सकते. हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर बैठे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर आपको आपको मिलते हैं, फिर आप करते हैं वीजा सीजा, उनसे बात करो. हाँ, वीज़ा भी मिलेगा आगे. वीज़ा का वैसे तो मैंने तो अपना वीज़ा आज़ाद वीज़ा लिया हुआ. ओके, अपना वीज़ा लिया. अपना वीज़ा लिया. हाँ, उसका तो कितना खर्चा होगा भैया? मेरा तो अभी तकरीबन 5-6 महीने रह गया. हाँ, उसमें यह है कि मुझे तो 8-9 हज़ार रुपये में पड़ गया था. ओके, अपना वीज़ा. हाँ, अगर आप कंपनी से लेते हो तो फिर वो आपको पता है, फिर आप उन्हीं का हो जाओगे. यस यस, तो ऐसे है. अभी मेरे लिए अच्छा है, मैं फिर इसी वजह से किसी का ना हो जाऊँ, इसी वजह से मैंने लिया. ठीक है, जो है बाहर. हाँ, वो लाइसेंस का क्या बात है, कितना होता है लाइसेंस का, कितना होता है, क्या स्टेटस है इसका? भैया मेरा तो यही सजेशन है कि बाइक पे ना हो. ठीक है, लाइसेंस लेना गाड़ी का लो, क्योंकि फोर व्हीलर की कोई भी हो, गाड़ी हो. हाँ हाँ हाँ, अभी बाइक का जितना यहाँ पे लगता है ना, जितना कॉस्ट पड़ जाता है बाइक पे, इतने का गाड़ी का भी पड़ जाता है. हाँ हाँ, बाद में जब मैंने ये बाइक का लाइसेंस लिया तो फिर एड पे मुझे पता लगा यार जितना पैसा लग गया, मैंने कहा शायद यार गाड़ी का ही ले लेता था, आज गाड़ी का ले लेता, लेकिन नहीं हो सका, फिर मैंने बाइक का ले लिया. अभी इंशाल्लाह आगे जिंदगी रहा तो बाइक गाड़ी का भी लेगा. इधर बाइक का अलग होते, फोर व्हीलर के अलग होते ना? हाँ, अलग है ना. हाँ, अभी बस का अलग है. हाँ, छोटी गाड़ी का अलग है, नॉर्मल अलग है. ठीक है, थोड़ा चेंज चेंज है. ठीक है ठीक है. अभी सैलरी का क्या हुआ, क्या स्टेटस है? सैलरी का अभी ये कमीशन बेस पे है. हाँ हाँ, करीम ये सब जो है ना ये कमीशन बेस पे, फिक्स सैलरी नहीं है. हाँ ठीक है, आपको ऑर्डर के ऊपर आते हैं? ऑर्डर पर ऑर्डर पे मिलता है, पर ऑर्डर पे ऑर्डर पे 8-9-10 रुपये मिलता है करीम लेते. वैसे अगर वो तलाबाद में जाओ तो तलाबाद कम देता है. ठीक है, वो 7-7 रुपये शायद देता है, 7 दरम देता है. हाँ, इसमें ये है कि करीम करीम तो बड़े हैं. ठीक है, और इसका अंदाज से मंथली में कितना आ सकते हैं हमको सैलरी? 3,000-2,000-1,000 ऐसा कितना होगा? काम अगर सही बंदा दिल लगा के करे ना, तो वो तकरीबन सुबह से लेके रात तक, यानी सुबह 7 बजे से निकले तो शाम को 7 बजे तक आए, 10-12 घंटे की ड्यूटी करें, तो महीने का कम से कम 4,000 तो पूरा खर्च निकाल के निकाल सकते हैं. पूरा खर्च निकाल के तकरीबन 3,000 रुपये बन जाता है. हाँ हाँ, वो सही है. ऐसे बाकी ये कि करीम में ना जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसको भी देना पड़ता है. हाँ हाँ, हर मंथ उसको भी, वो अलग अलग कंपनी होती है, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि आप इतना हर मंथ में दोगे. अभी जिस तरह हमारा है, वो मेरा 1,050 है, वो हर मंथ वो निकालना है कंपनी का, उसके ऊपर जो बनेगा वो. ओके, जो जितना मिलते हैं उस आपके आते हैं ना, जो उसके 1,000 दे के. मैं समझा नहीं. नहीं, इसको अभी सोचो, आपको 4,000 आया, इसको कंपनी को 1,000 देना है, जो जितना बच गया वो आपका है ना. कंपनी को 1,000 देना ही देना है. हाँ हाँ, कैसे भी. हाँ, बेशक आपका 4,000 बना, 5,000 बना. हाँ ठीक है, वो देना ही देना. ठीक है, अभी बाइक का क्या स्टेटस है? अभी बाइक कंपनी देते है आपका? बाइक भी कंपनी देता है. पेट्रोल? पेट्रोल तो अपना ही है ना. हाँ, पेट्रोल अपना होता है, और सिम कंपनी देता है जिसमें इंटरनेट होता है. हाँ हाँ, चला सकते हो. हाँ, सी बात है, वो सिम होगा, वो रजिस्टर होगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के बाद वो आपके पास होगा. ठीक है, फिर आप एप्लीकेशन भी चलाओगे कंपनी का, कंपनी की तरफ से. तो कंपनी सिर्फ आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक बाइक लेती है और एक
देती है और एक ये इसका सिम देती है। ठीक है, बाकी ऐसे ही है। गर्मी आजकल बहुत चल रही है, जिस भाइयों ने जिस भाई को है मना इधर आने का तो भाई आने का ये चलाने का भाई मेरा एक सजेशन है इसमें ना आओ, लेकिन इसमें ना आओ। ओके ठीक है, ये बहुत भारी वाला काम है यार। सुबह जाओ रात को, मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ, मैं खुद शाम को नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। सुबह के टाइम अभी नहीं हिम्मत हो रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी ये दो तीन दिन पहले वो एक करीम का लड़का था, वो मुझे बताया कि यहाँ पे किसी का लड़के का मौत हो गया। हाँ वो पता लगा कि अब पता नहीं वो किस वजह से हुआ, लेकिन वो सुबह के टाइम गर्मी की वजह से हुआ। अभी वो पता नहीं वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है क्या। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो लड़का एक हुआ मर गया बेचारा, लेकिन वो अभी पोस्टमार्टम हुआ पता नहीं उसका बताया नहीं बताया, लेकिन अफवाह यही फैला हुआ सारी जगह की गर्मी की वजह से वो तो बहुत गर्मी आ रही है ऐसे। बाकी ये मेहनत हरकत में बरकत है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सफ़र कर जाए बंदा, ये एक दो महीना इधर दुबई में, क्योंकि इधर दुबई में ना अभी ये तो दो महीना चल रहा है, तो शदीद गर्मी है इधर, इतना गर्मी है कि कुछ ना कुछ। ठीक है, आप खुद नाइट टाइम कर रहा हूँ अभी, इसका क्या ड्यूटी आवर्स होते हैं? नहीं आपका इंटरेस्ट है? वैसे तो करीम में जो लड़के ज़्यादातर ज्वाइन कर रहे थे वो इसी वजह से कर रहे थे कि उनकी मर्जी होती थी, जब लॉग इन होना है लॉग इन हो जाओ, जब लॉग ऑफ होना है लॉग ऑफ हो जाओ। ओके, जो इसका वर्किंग आवर्स नहीं होते ना, वर्किंग आवर इसका नहीं था। अभी दो दिन हुआ इन्होंने शिफ्टिंग बना लिया। अरे यार शिफ्ट बना लिया, अभी शिफ्ट को नहीं जाए तो कैसे होगा? नहीं शिफ्ट पे नहीं जाएगा तो फिर वो उसकी रेटिंग खत्म होगा ना। हाँ वो एक्सेप्टेंस में मसला होगा, ऐसा होगा ना। लेकिन अभी इन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया करीम में, कि उन्होंने जिस तरह तलाबात में जोन बना हुआ है, एक जोन में जाके आपने लॉग इन करना है, इस तरह इन्होंने अभी नहीं किया। लेकिन इनका मैसेज आया, मुझे भी एक मैसेज आया कि सुबह शाम 7 बजे से 7 AM से 7 PM तक आपका शिफ्ट है। मैंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, अभी मुझे पता ही नहीं क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं कि जोन भी है कि नहीं, लेकिन मैं इसी वजह से गया नहीं। अभी यह है कि नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, सुबह जाऊँगा, अभी मैं आया था तकरीबन 7 बजे, सुबह 6-7 बजे ड्यूटी तक ड्यूटी करूँगा, फिर उसके बाद वापस घूमा। अभी अभी इसकी कैसे होता है, जोन देते हैं लाइक सभी दुबई का लोकेशन तो मालूम नहीं, जोन होता है एक साइड पर जोन होता है, सोचो अभी करीम का ये है कि आपको पूरी दुबई से राइड आएगा। ठीक है, कहा था हमको पता नहीं, आपको पता नहीं, अभी नहीं पता कि ऑर्डर कितना दूर जाएगा। ठीक है, ऐसे है वो ऑर्डर, बाकी ये तलबात हो गया, नून हो गया, इनका एक जोन है, एक जोन के एरिया के अंदर आपको राइड आएगा। एक करीम का ये नहीं है, लेकिन अभी इस पे वर्क कर रहे हैं करीम लोग, करीम वाले। ठीक है ठीक है, अभी अपना जोन बनाएंगे, शिफ्टें जिस तरह शिफ्ट नून की चलती है, तलबात की चलती है, उस तरह करीम में भी चलाएंगे। ठीक है, अभी ये ऑर्डर दूर है तो कैसे होगा, ऑर्डर का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं बस बोनस देते हैं बीच में। बोनस दे देते हैं 4-5 रुपये भी बोनस दे देते हैं ऐसे। बाकी ये है कि अपना जब तक एक्सेप्टेंस आपने अच्छा रखना है, फिर वो आप कोई ऑर्डर छोड़ नहीं सकते, फिर आपको एक्सेप्ट करना ही करना है ऐसा। हाँ यस, अगर कोई आने वाले तो राइडर में क्या क्या बोलते हैं इसको, यानी सजेशन बोलते हैं, करीम पे आना है, तालाबाद पे आना है, नून पे आना है, कैसे में आने हैं? अगर वो आप साइड से आप ये काम पे है ना, आपको मालूम है ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी जो भाई यहाँ पे हैं जिनके पास लाइसेंस ले लिया जिन्होंने, वो मैं उन डिस्क्रिप्शन में भाई को बोलूंगा कि नंबर डाल दे, तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये बात सुन ले कि यहाँ पे जो है वो जिनके पास लाइसेंस है वो रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एक कांटेक्ट है मेरे कांटेक्ट में है जानने वाले, वो उनको मैं कॉन्टेक्टर है, मैं उनका नंबर भाई को दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उनसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भाई इंडिया पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं उनके लिए तो पाकिस्तान तो इंडिया का तो शायद ओपन है, पाकिस्तान का वीज़ा अभी ओपन नहीं है, सुनने में आया है, वो भी जब आएगा तो भाई को बोलूँगा इंशाल्लाह, वो आपको उस चीज़ से आगाह कर देंगे। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर, आपकी कोई खिदमत नहीं की मैंने, नहीं नहीं थैंक यू भैया, ओके ब्रदर।